हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है अपना लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये हमको देखना है आगे समय अध्ययन उपकरण, ठीक है, टाइम स्टडी इक्विपमेंट्स। क्या देखना है हमको? टाइम स्टडी इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो समय अध्ययन के लिए निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच, दूसरा समय अध्ययन बोर्ड यानी टाइम स्टडी बोर्ड, तीसरा समय अध्ययन सीट यानी टाइम स्टडी सीट, चौथा है समय अभिलेख मशीन यानी टाइम रिकॉर्डिंग मशीन, चलचित्र कैमरा यानी मूविंग कैमरा, ठीक है, या फिल्मिंग कैमरा भी कह सकते हैं। अगला है संगणक यानी कैलकुलेटर, ठीक है, टैकोमीटर, टैकोमीटर को इंग्लिश में भी टैकोमीटर बोलते हैं, ठीक है, मापन उपकरण जैसे पैमाना, माइक्रोमीटर, स्प्रिंग बैलेंस आदि, ठीक है। तो मैं पैमाना का मतलब जैसे मीटर रूल, मीटर स्केल वगैरह हो गया, ठीक है, माइक्रोमीटर हो गया और स्प्रिंग बैलेंस इत्यादि कुछ, तो ये भी यूज किए जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच। तो विराम घड़ी का उपयोग समय नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। विराम घड़ियों को उनके डायल पर चिन्हित अंकों के आधार पर तथा उनकी कार्यविधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डायल पर चिन्हित अंकों के आधार पर विराम घड़ियों को निम्नांकित दो वर्गों में विभाजित किया जाए, यानी जो स्टॉप वॉच है, ठीक है ना, उस पे अलग अलग टाइप से होते हैं। जो आपके उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो उनके डायल होता है और डायल पर जो है उसके उस पर जो डिविजन्स होते हैं, चिन्हित अंक का मतलब हो गया डिविजन्स नहीं होते, मार्किंग होते हैं, तो अलग अलग होता है उनके आधार पर, मार्किंग के आधार पर अलग अलग तरह का घड़ी होता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा रेंज को मेजर करेगा, जो कोई होगा बहुत कम रेंज को मेजर करेगा, तो ये सब बातें होती हैं, है ना। तो इस सब बातों को कैसे हम करेंगे, तो देखिएगा, तो ये है डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच। क्या है? डेसिमल दशमलव मिनट विराम घड़ी यानी डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच। तो यह घड़ी समय अध्ययन में बहुतायत से प्रयोग की जाती है। इसका डायल 100 बराबर भागों में विभाजित होता है, यानी जो डायल होगा उसको कितने बराबर भागों में, ऐसे 100 बराबर भागों में बांटा रहेगा, ठीक है ना। तथा सुई ने नीडल 1 मिनट में डायल का पूरा एक चक्कर लगाती है, और जो नीडल होता है 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देगी, यानी एक चक्कर को 1 मिनट बोलेंगे, ठीक है। तो 100 अगर भाग है तो कितना बताएगा, 1/100 मिनट को बताएगा, यानी कि 0.01 मिनट, मतलब एक वो एक इसका रिजोल्यूशन होगा ऐसे, ठीक है। रिजोल्यूशन को हम बोलते हैं, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मिनिमम जितना वो मेजर कर पाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज हो गया। इसके साथ ही इस बड़े डायल पर एक छोटा डायल और लगा होता रहता है, जो 30 बराबर भागों में विभाजित होता है। एक इसी पे मतलब ये जो डायल होगा तो इसी में एक छोटा डायल होगा जो कि 30 बराबर भागों में इसको बांटा रहेगा। जैसे हम डायल गेज का यूज नहीं कर रहे थे, डायल गेज जब पढ़ाए थे आपको तो उसमें भी ऐसा था, तो ऐसा ही, ठीक है। और डायल पर चलने वाला सुई 30 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी ये पूरा 30 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, यानी 30 मिनट अगर पूरा हो जाएगा तो इस पर जो सुई होगा वो एक चक्कर लगा लेगी, ठीक है। इस प्रकार इस घड़ी का अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 मिनट होता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको, ठीक है। उसके बाद है दूसरा दशमलव घंटा विराम घड़ी, ठीक है, दशमलव घंटा विराम घड़ी यानी डेसिमल आवर स्टॉप वॉच, ठीक है। वो मिनट आवर था, मिनट था, डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच, ये डेसिमल आवर स्टॉप वॉच। इस विराम घड़ी में भी बड़ा डायल 100 बराबर भागों में विभाजित होता है, जिस पर चलने वाली बड़ी सुई 1 घंटे में 100 चक्कर लगाती है, ठीक है। यानी जो चलने वाली सुई है वो 1 घंटे में 100 चक्कर लगाती है, ठीक है ना। अतः इस घड़ी का अल्पतमांक क्या हो गया, 0.001 घंटा हो गया, क्योंकि आपको पता 100 चक्कर लगाएगा तो 1 घंटे में 100 चक्कर लगाएगा, तो ये 100 तो हो गया, और साथ ही साथ जो उसका 100 भाग है वो इस तरह से देखा जाए तो कितना, 2 2 4 4 0, 0.001 इतना जो होगा, इतना घंटा अल्पतमांक होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, 100 चक्कर लगाने पे 1 घंटा होगा एक, तो
और दूसरा चीज 100 भाग उसमें है ही, तो इतना जो है आप डिवाइड करेंगे तो इतना होगा, मतलब एक जो भाग का, एक भाग जो बताएगा, एक जो उसका जैसे यहाँ पर है, और एक ग्रेजुएशन जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो जो अगर सुई यहाँ से यहाँ तक जाती है तो उसका मतलब ये हो गया कि वो कितना घंटा, तो 0.001 घंटा सुई ने चला, ठीक है। और ऊपर वाले के केस में क्या था, जो आपका डेसिमल मिनट स्टॉपवॉच में एक ग्रेजुएशन मूव करने में जो है कितना लगा था, कितना टाइम हो जाएगा, 0.01 मिनट, ठीक है। तो ये 1 मिनट को बताएगा, ये कितने को बताएगा, इतने घंटे को बताएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, ये उम्मीद है। अब इसके बाद है, इस पर बना छोटा डायल 30 बराबर भागों में विभाजित होता है, इसमें भी होता है। तो छोटी सुई 1 घंटे में 3 से 1/3 चक्कर लगाती है, ठीक है। अतः 1 भाग 0.01 घंटे के बराबर है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और, कह रहा है कि उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यविधि के आधार पर विराम घड़ियाँ निम्न दो प्रकार की होती है। पहला फ्लाई बैक दशमलव मिनट विराम घड़ी, फ्लाई बैक डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच, फ्लाई बैक डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच। क्या नाम है? फ्लाई बैक डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच। देखिए आप लोग ना ये पढ़िए तो अच्छे से, एक एक चीज याद रखिए, जो एक एक पॉइंट्स है, एक एक हेडिंग्स है। आपको एग्जाम में यही भूलेंगे, लिखने के लिए आप कुछ भी लिख लेंगे उसके अंदर, ठीक है। आप पढ़े रहेंगे तो इतना समझ है कि आप लिख लेंगे, सही सही भी लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन भूलेगा क्या आपसे, आपसे भूलेगा ये। तो इन चीजों को अच्छे से पेपर पर, कॉपी पर लिख लिख कर दिमाग में सेट करिए, ठीक है। वैसे रटेंगे तो नहीं, लिखेंगे, लिखते हैं ना, तो आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा तेजी से सेट होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो समय अध्ययन के लिए यह घड़ी सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार की घड़ी में स्लाइड ए को आगे पीछे चलाकर छड़ों को चालू अथवा बंद किया जा सकता है, ठीक है। स्लाइड को आगे पीछे चलाकर इसकी रचना भी दशमलव मिनट विराम घड़ी की बात होती है। यदि कोई विश्लेषण करता है, यानी एनालिस्ट, एनालिस्ट मतलब विश्लेषण करता, स्लाइड ए को पीछे की ओर चलाकर किसी बिंदु पर घड़ी को बंद कर देता है, तो वह चाबी भरने वाली घुंडी यानी वाइंडिंग नॉब बी को दबाकर घड़ी की दोनों सुइयों को 0 स्थिति में ला सकता है। यदि स्लाइड ए उसी स्थिति में बनी रहती है तो घड़ी की सुइयां नहीं घूमेंगी, ठीक है। यानी स्लाइड ए को घुमा करके, ठीक है ना, इसको आप नॉब को, आप जो है वाइंडिंग नॉब को आप ऐसे दबा करके दोनों को क्या कर सकते हैं, 0 पर सेट कर सकते हैं, है ना। तो यदि स्लाइड ए को आगे की तरफ चलाया जाए, मतलब ये पीछे की तरफ चला के बात किया गया, और ये आगे की तरफ चलाया जाए तो घड़ी की सुइयां घूमने लगेंगी, ठीक है। यदि घुंडी यानी नॉब, ठीक है, घुंडी यानी नॉब बी को पुनः दबाया जाए तो सुइयां पुनः शून्य पर आ जाएंगी। यदि घुंडी पर ये दाब को हटा लिया जाए तो सुइयां फिर से घूमने लगेंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्लाइड ए अपने पीछे की स्थिति बैकवर्ड पोजीशन पर नहीं है। इस प्रकार की घड़ी को चित्र 5.30 में प्रदर्शित किया गया है। तो ये है, ठीक है। तो आप स्लाइड ए को इधर घुमा के, ठीक है, और जिसको दबाएंगे तो ये 0 पर सेट हो जाएगा, ठीक है। और वो उसी पर सेट होता रहेगा ही, ठीक है, वहां से हिलेगा नहीं, ठीक है, जब तक आप स्लाइड को राइट साइड में नहीं मुड़ाएंगे। तो आगे की तरफ अगर स्लाइड को आपने घुमा दिया, उसके बाद अगर दबाएंगे तो 0 पर आ जाएगा, और फिर अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा, उस पिछले केस में छोड़ेंगे तो वो रुका ही रहेगा, लेकिन इसमें दबाएंगे तो बढ़ेगा, दबाएंगे तो रुका रहे, 0 पर आ जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो फिर वो मूव करने लगेंगे सुइया, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट रहता है। दूसरा है नॉन फ्लाई बैक दशमलव मिनट विराम घड़ी, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, नॉन फ्लाईबैक डेसिमल मिनट, नॉन फ्लाईबैक डेसिमल मिनट स्टॉप वॉच।
इसमें घड़ी को नियंत्रण चाबी भरने वाली घुंडी यानी वाइंडिंग नॉब द्वारा होता है। ठीक है, घड़ी का जो कंट्रोल किया जाता है इसमें भी वाइंडिंग नॉब द्वारा ही किया जाता है, अर्थात घुंडी को पहली बार दबाने से घड़ी चल जाती है और दूसरी बार दबाने से रुक जाती है, इसमें होता है। तीसरी बार दबाने से पुनः अपनी शून्य स्थिति यानी जीरो पोजीशन पर आ जाती है। इस प्रकार की घड़ी लगातार बढ़ते हुए समय क्यूमुलेटिव टाइम के लिए उपयोगी होता है। जैसे देखते ना रनिंग में सब यूज करते हैं, तो वो वाला यूज होता है, मतलब एक बार दबाएंगे ठीक है घड़ी चलने लगेगी, दूसरी बार दबाएंगे घड़ी रुक जाएगी, ठीक है तीसरी बार जना दबाएंगे तो जीरो सेट हो जाएगा, जैसे होता है ना जीरो रीसेट हो जाना, नहीं होता है। तो एक बार दबाएंगे, स्टॉप वॉच जो हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल में, बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट यही वाला है, नाइन फ्लाई बैक वाला, ठीक है कि एक बार दबाते हैं चलने लगता है, फिर दबाते हैं रुक जाता है, फिर क्या करते हैं रीसेट हो जाता है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं, समय अध्ययन बोर्ड, टाइम स्टडी बोर्ड। ठीक है, टाइम स्टडी बोर्ड से क्या मतलब है? समय अध्ययन बोर्ड, टाइम स्टडी बोर्ड, यह एक साधारण समतल बोर्ड है जो प्रायः प्लाईवुड, हार्डबोर्ड या प्लास्टिक शीट का बना होता है। इस शीट पर विराम घड़ी लगाने का स्थान बना होता है तथा एक स्प्रिंगदार यानी स्प्रिंगदार क्लिप लगा होता है। ठीक है, ये स्प्रिंगदार क्लिप जो होता है जो हम लोग यूज करते हैं अपने, पहले जो है हम लोग जब एग्ज़ाम देने के लिए जो सीट लेके जाते थे ठीक है उसके लिए नहीं होता, उसमें वही वाला क्लिप लगा होता, जिसमें समय अध्ययन सीट को लगाया जाता है। ठीक है, ये सीट लगाया जाएगा, एक बोर्ड रहेगा ठीक है, और इधर आपका क्लॉक रहेगा जैसा कि चित्र 5.4 में प्रदर्शित है। समय अध्ययन बोर्ड का साइज समय अध्ययन सीट से थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? समय अध्ययन बोर्ड का साइज जो होता है सीट से बड़ा होगा, क्योंकि सारे फिट करने हैं। ठीक है, सीट तथा घड़ी की स्थिति इस प्रकार होती है कि अध्ययनकर्ता आसानी से अपना कार्य कर सके। अधिकांश अध्ययनकर्ता अपनी बांह की लंबाई के अनुसार अपना स्वयं का बोर्ड प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग बोर्ड कितना लंबा चौड़ा रहेगा वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घड़ी रहेगा ठीक है, ये टाइम स्टडी बोर्ड है, टाइम स्टडी बोर्ड ऐसे होगा, तो ये सीट होगा टाइम स्टडी सीट, और ये आपका स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच को यूज किया जाएगा और इस पे यहाँ पे लिखा जाएगा सारी चीजें। ठीक है, जो जो मिलेगा। अब इसके बाद है समय अध्ययन सीट, टाइम स्टडी सीट। ठीक है, तो प्रिंटेड अथवा साइक्लो स्टाइल किए हुए, साइक्लो स्टाइल ठीक है, अध्ययन सीट का प्रयोग समय अध्ययन के समय लिए गए प्रेक्षणों को नोट करने के लिए होता है। इस सीट का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करते हैं कि समय अध्ययन मानक तरीके से होना चाहिए तथा कोई भी आवश्यक डाटा नज़रदार नहीं होना चाहिए। ये सीट समय अध्ययन बोर्ड पर क्लिप द्वारा लगी होती है जैसा कि चित्र 5.4 में प्रदर्शित है। समय अध्ययन सीट का एक प्रारूप चित्र 5.5 में प्रदर्शित है, यहाँ पे देखिए। ऑपरेशन, मशीन नंबर ठीक है, नंबर पार्ट और मशीन टूल और गेजेज, स्टडी नंबर, सीट नंबर, टाइम ऑफ, टाइम ऑन, इलेप्स टाइम, ऑपरेटिव क्लॉक नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, तो ये चाहे तो एग्जाम में आप सीट ये बना भी सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बस इतना ही पूछ दिया कि टाइम स्टडी सीट से क्या मतलब है, तो आप क्या करेंगे इस सीट को भी बनाएंगे नहीं ठीक है, और ऐसे खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं समय अभिलेख मशीन, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन। तो टाइम रिकॉर्डिंग मशीन से क्या, यह मशीन गिलब्रेथ ने बनाई थी। इसके द्वारा 1 मिनट के समय भाग तक को बहुत कम समय में अत्यंत यथार्थता के साथ मापा जा सकता है। ठीक है, इस मशीन में एक पेपर टेप होती है जो दो रोलरों पर एक समान गति से घूमती है। यह पेपर टेप इस प्रकार अंशांकित यानी ग्रेजुएटेड होती है कि यह न्यूनतम 0.01 मिनट का समय रिकॉर्ड करती है। उपकरण की केसिंग यानी आवरण में लगे स्लिट द्वारा रीडिंग को देखा तथा नोट किया जा सकता है। इस मशीन
का प्रमुख लाभ यह है कि विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच की तुलना में कार्य अध्ययनकर्ता लगातार कार्य पर नजर रखने के लिए उपलब्ध रहता है। अंत में टेप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मतलब उसको ये टेप जो होगा उस उसी पर सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी, और फाइनली जब टेप को है बाहर निकाल के आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। इस मशीन पर दो दबाने वाली कुंजियां होती हैं। उत्पादन प्रक्रम का अंत होने पर एक कुंजी को दबाया जाता है, जिससे विभाजित पैमाने पर कुंजी की छाप पड़ जाती। दूसरी कुंजी का प्रक्रम प्रयोग एक प्रक्रम का अंत तथा दूसरे प्रक्रम का प्रारंभ दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दो की है कुंजियां, मतलब की है दो की है, उनको दबाएंगे तो एक टाइम मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर ये प्रोसेस एंड हुआ, नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये सब। और एक जो होगा वो पूरा मतलब अलग अलग करने के लिए, मतलब प्रोसेसेज को अलग अलग करने के लिए। मान लीजिए एक जो है इससे अब ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, अलग करने के लिए। और अगर लगातार कंटिन्यूअस जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कोई चीज़ जैसे आप अलग करना चाहते हैं, मतलब इतना पार्ट ये पार्ट अलग किया तो अलग हो गया, निकल गया। अब इसमें जो है कई ऑपरेशन हो रहे हैं इस पार्ट में, तो उनको आप आसानी से उन ऑपरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं दूसरी की के माध्यम से, ठीक है। बस वो बता, दूसरे की दबाने पर पता चलेगा कि पहला एंड हो गया, दूसरा शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद चलचित्र कैमरा यानी मूविंग कैमरा है, ठीक है। तो इसका प्रयोग माइक्रोमोशन अध्ययन के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है माइक्रोमोशन अध्ययन के लिए। इसके द्वारा उत्पादन कार्य में लगे श्रमिक की गतिविधियों को का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए सतत रूप से फोटो खींचकर फिल्म तैयार की जाती है। इस फिल्म को प्रोजेक्टर पर चलाकर श्रमिक की गतिविधियों को सूक्ष्मता से जांच की जाती है। यह कैमरा अनेक विस्तारों यानी रेंजेस के लिए नियत गति पर चलता है, इसके कारण प्रत्येक फिल्म का समय ज्ञात किया जा सकता है। एक क्रिया में प्रयोग हुए फिल्मों की संख्या ज्ञात करके क्रिया में लगा कुल समय ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। कैमरे की गति 1000 फिल्म प्रति मिनट है, और यदि एक ऑपरेशन में 50 फिल्म लगती है तो ऑपरेशन में लगा समय 0.05 मिनट होगा। यह विधि यथार्थ है, परंतु इसका प्रयोग महंगे ऑपरेशनों में ही होता है, क्योंकि यह विधि अधिक खर्चीली है। तो इसके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े हुए हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी दोहराया गया जो पिछले चैप्टर में देखा हमने। अब उसके बाद है संगणक यानी कैलकुलेटर, ठीक है। संगणक का प्रयोग विभिन्न गणनाओं की सुगमता पूर्वक करने के लिए होता है, ठीक है। दूसरा है फिर उसके बाद है टैकोमीटर। टैकोमीटर आरपीएम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग इसको जो है एमएमआई में भी पढ़ेंगे, ठीक है, टैकोमीटर का, तो इसमें आपको अच्छे से पता चलेगा टैकोमीटर कैसे काम करता है। मापन उपकरण, फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है, कुछ कुछ जरूरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो जरूरत के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो समय देने के लिए कार्य का चयन, सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर टाइम स्टडी, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा रोकते हैं क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।